आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो जितने भी टीचर गण हैं, सभी लोग का मेरा नमस्कार। आज जो है ये सुपर 100 का फर्स्ट डे है, तो इसमें जो है हम लोग का ये हुआ है कि पहले बेस लाइन टेस्ट लिया जाए, तो हमने बेस लाइन टेस्ट जो है हिंदी में बनाया है ना। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। और जो है इसमें जो दिया हुआ है 20 क्वेश्चन है, और सभी का जो है 11th का ज्यादा पोर्शन है, क्योंकि 11th आपका जो है पढ़ा हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। तो जितना भी होगा ईमानदारी से आप लोग टेस्ट देंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर कल से जो है आपका 12th का पोर्शन का जो है क्लास चालू होंगे, और जो मैक्सिमम नंबर आपका जो कवर होगा उस चैप्टर को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड पर, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, कहता है यदि tan n थीटा इज इक्वल टू tan m थीटा, है ना, तो थीटा के विभिन्न मान होंगे, थीटा के विभिन्न मान होंगे। पहला है एपी में, मतलब समानांतर श्रेणी में, दूसरा आपका जो है गुणोत्तर श्रेणी में, है ना, जीपी में, थर्ड आपका क्या है हरात्मक श्रेणी में, एचपी में, या किसी में नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, है ना। इसके बाद आंसर देने के लिए आपको टाइम मिलेगी, लेकिन जल्दी थोड़ा नोट करेंगे। सेकेंड आपका देखिए, आपका जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है क्वेश्चन, श्रेणी 3x8 प्लस 6x11 प्लस 9x14 प्लस 12x17 सो ऑन का एनमा पद होगा, है ना। जनरल टर्म आपको निकालनी है, एनमा पद यानी टीएन आपको निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 3n प्लस 5, सेकेंड ऑप्शन है 3n n प्लस 5, थर्ड ऑप्शन है n 3n प्लस 5, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है n(n+5), ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर कहता है 1 से 100 तक के 2 या 5 से विभाज्य पूर्णांकों का योग है, है ना। पहला ऑप्शन है 3000 3050 4050, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एकदम आपका 11th का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी, हो गया होगा। अब आइए फोर्थ में, है ना। चौथा क्वेश्चन आपका है यदि श्रेणियों 63 65 67 69 प्लस सो ऑन तथा 3 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 24 प्लस सो ऑन के एम ए पद बराबर हूं तो m इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 11, सेकेंड ऑप्शन 12, थर्ड आपका 13, फोर्थ आपका 15, ठीक है। चलिए ये आपका चार क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से है, ठीक से देखेंगे आंसर करेंगे, ठीक है। आइए फाइव नंबर आपका बाइनोमियल थ्योरम से है, है ना। बाइनोमियल आपने पढ़ा होगा, कहता है यदि x^4 + 1/x^3^15 के विस्तार में आरवें पद में x^4 आता है तो r का मान ज्ञात क्या होगा, है ना, r इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका 7, सेवन ऑप्शन दिया हुआ 8, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 9, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 10, ठीक है। आइए सिक्स नंबर आपका जो है ध्यान से देखेंगे, यदि रूट क्यू है, ध्यान देंगे, रूट क्यू a/√b प्लस आपका है b/√qa है ना, टोटल पर रूट है, उसके बाद डिवाइड में क्या है √qa^21 के प्रसार में r+1 में पद में a तथा b की घात की समान घाते हैं तो r का मान है, पहला ऑप्शन है आपका 9,
सेकेंड ऑप्शन आपका है 10, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 6। ठीक से नोट कर लीजिए इसको। आइए 7 में आपका दिया हुआ है, यदि 1+x^n के द्वितीय प्रसार में के द्विपद सॉरी द्वितीय ने द्विपद प्रसार में तृतीय पद -1/8x² है तो तब m का परिमेय मान है ना। ये भी आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 2, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थ्री ऑप्शन है सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। नोट कर लीजिए ठीक से, हो गया है। चलिए आगे बढ़ावे, 8 नंबर ध्यान देंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका 8 में आपका जो है समीकरण ए कांस्टेंट ए है, ध्यान दीजिएगा स्मॉल ए, ब्रैकेट में है आपका x²+1 - a²+1 × x = 0 के मूल हैं, है ना। ओनली मूल निकालना है आपको a 1/a। पहला ऑप्शन है a, 1/a, सेकेंड ऑप्शन आपका है a, 2a, थर्ड ऑप्शन है a/1/2a, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए 9 नंबर आपका जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ध्यान दीजिएगा। x²-8x²-9 = 0 के मूल हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है +-√3 + -1, सेकेंड ऑप्शन आपका है +-√3 + -i, i4 iota, आप जानते होंगे, है ना। सी ऑप्शन है आपका +-2 + -i iota, डी ऑप्शन आपका है कोई नहीं। ठीक है, आइए 10 नंबर आपका जो है ध्यान दीजिएगा, 10 में आपका जो है i(x²), है ना, i मल्टीपल में है, -4x - 4i के मूल हैं, पहला ऑप्शन है -2i, सेकेंड ऑप्शन है 2i, थर्ड ऑप्शन है -2i, -2i, है ना, फोर्थ ऑप्शन है 2i, 2i। चलिए फिर से रिपीट करेंगे, आपको आप क्वेश्चन देख कर नोट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर से हम रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए स्लो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए फिर से हम बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर से कहता है समीकरण ए x² 8 नंबर है ना, समीकरण ए x² + 1 माइनस दिया हुआ है ब्रैकेट में a² + 1 × x के मूल हैं, ठीक है ना। चलिए पहला आपका जो दिया हुआ है a, 1/a, दूसरा दिया हुआ a, 2a, तीसरा दिया हुआ है a, 1/2a, चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 8 नंबर हो गया होगा। आइए 9 नंबर बेटा, फिर इसका आंसर भी देना है ना आपको। 9 नंबर देखिए, समीकरण x²-8x²-9 = 0 के मूल हैं, रूट निकालना है आपको। फर्स्ट आपका रूट दिया हुआ है +-3, +-1, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका है +√3 + -iota, थर्ड ऑप्शन है +-2, +-iota, आई है, डी आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए 10 नंबर, 10 कहता है समीकरण i(x²-4x-4i) = 0
के मूल हैं। पहला आपका दिया हुआ ऑप्शन -2i, सेकेंड ऑप्शन है 2i, थर्ड ऑप्शन है -2i, -2i, फोर्थ ऑप्शन है 2i, -2i, ठीक है। चलिए ये आपका चार क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन का तीन क्वेश्चन है ना, 8, 9, 10। आइए 11 नंबर आपका है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3 तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है -4/5, पर 4/5 नहीं। दूसरा आपका दिया हुआ है -4/5 या 4/5। तीसरा दिया हुआ है 4/5 पर -4/5 नहीं। चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे सबको। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है आपका, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 तथा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा कौन से चतुर्थांश में है, यानी कहता है थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, है ना। प्रथम, पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। आइए 13 नंबर आपका, 13 नंबर है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 तथा थीटा तीसरे चतुर्थांश में हो तो cos थीटा बाई टू इज इक्वल टू आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक से नोट कर लीजिए, 1/√5, सेकेंड ऑप्शन -1/√5, थर्ड ऑप्शन √2/5, फोर्थ ऑप्शन आपका होगा -√2/5, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने जो है ट्वेल्थ का क्वेश्चन भी दिया है इनिशियल का, है ना, जैसे इनवर्स का है आपका 14 नंबर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आपका ये है 14 नंबर, है ना। दिया हुआ है साइन इंटू कॉट इनवर्स, फिर आपका दिया हुआ है टेन इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मान है फर्स्ट आपका है एक्स है, सेकेंड आपका पाई बाई टू है, थर्ड आपका वन है, फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। हम एक बार और इसको रिपीट करेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 15 नंबर, 15 नंबर आपका है, कहता है साइन इनवर्स √x/√x+a इक्वल टू, पहला ऑप्शन है कॉस इनवर्स √x/a, सेकेंड ऑप्शन है कॉस इनवर्स √x/a, थर्ड ऑप्शन है टेन इनवर्स √x/a, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्लियर है। आइए 16 नंबर, कहता यदि साइन, इसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन होगा 1, सेकेंड ऑप्शन आपका होगा 0, थर्ड ऑप्शन 4/5, फोर्थ ऑप्शन आपका होगा 1/5। फिर से बोल रहे हैं 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, यदि साइन, ब्रैकेट दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 है, सेकेंड ऑप्शन 0,
थर्ड ऑप्शन 4/5, फोर्थ ऑप्शन 1/5, ठीक है। चलिए, ये इनवर्स का 3 क्वेश्चन था, है ना। अभी हम लोग 17 नंबर आपका जो है ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर में आप लिखिए, यदि y इज इक्वल टू एक साइन एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, तो पहला ऑप्शन है 1/y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस कॉट एक्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस कॉट एक्स। थर्ड ऑप्शन आपका है 1/y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस कॉट एक्स। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का है। आइए 18 नंबर है, dc ऑफ d अपॉन डी एक्स है x स्क्वेयर इंटू ई टू डी पावर x इंटू साइन एक्स। देखिए आपका 3 फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इज इक्वल टू आपका फर्स्ट ऑप्शन है x इंटू ई टू डी पावर x इंटू टू साइन एक्स प्लस x साइन एक्स प्लस दिया हुआ है x cos x। ऑप्शन ठीक से मिलाएंगे, है ना। बी ऑप्शन आपका है x इंटू ई टू डी पावर x, देखिए अंतर है दोनों में, है ना। आपका दिया हुआ है 2 इंटू साइन एक्स प्लस x साइन एक्स माइनस cos x, यहां पर देखिए माइनस है, ठीक है। सी में देखिए x इंटू ई टू डी पावर x 2 साइन एक्स प्लस x साइन एक्स प्लस cos x। डी आपका जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 18 नंबर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। dc ऑफ x स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका x इंटू ई टू डी पावर x 2 साइन एक्स प्लस x साइन एक्स प्लस x cos x। सेकेंड ऑप्शन है आपका x इंटू ई टू डी पावर x ब्रैकेट दीजिए 2 साइन एक्स प्लस x साइन एक्स माइनस cos x। थर्ड आपका है x इंटू ई टू डी पावर x 2 साइन एक्स प्लस x साइन एक्स प्लस cos x। फोर्थ दिया हुआ है कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए ठीक से, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 18 तक नोट कर लिया आप लोग। आइए 19 नंबर ये भी डिफरेंशिएशन का ही है, dc ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/2 +1/2 -1 +1, ठीक है ना। देखिए पहला ऑप्शन है -1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है 1। 20 नंबर 20वां क्वेश्चन आपका है, dc ऑफ cos 1 - x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू dc ऑफ cos 1 - x² और 1 - x² का होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है -2x 1 - x² sin 1 - x² होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है आपका -4x 1 - x² इंटू साइन 1 - x² का होल स्क्वायर, नोट कर लीजिए ठीक से। आइए थर्ड ऑप्शन है 4x इंटू 1 - x² इंटू साइन
वन माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, फोर्थ ऑप्शन है माइनस टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन वन माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक से नोट कर लीजिए, इन्हें कुछ कैरी करना होगा, कुछ डाउट होगा तो आप जो है हैंडेज करेंगे। ऐसे फिर से हम 20 क्वेश्चन को फिर से रिवर्स कर रहे हैं, एक बार सबको मिला लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हाँ देखिए, पहला आपका है यदि tan n थीटा इज इक्वल टू tan m थीटा हो तो थीटा के विभिन्न मान होंगे। पहला जो है समानांतर श्रेणी में, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी में, तीसरा हरात्मक श्रेणी में, चौथा कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है एपी, सेकेंड आपका जीपी, थर्ड आपका एचपी, फोर्थ आपका नन ऑफ दीज, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है ना, श्रेणी 3 × 8 प्लस 6 × 8 प्लस 9 × 14 प्लस 12 × 17 का एनमा पद होगा, का एनमा पद होगा। मिला लीजिए खाली जल्दी जल्दी, 3n प्लस 5, बी आपका है 3n प्लस 5, सी है n 3n प्लस 5, डी आपका है n इंटू n प्लस 5। आइए थर्ड नंबर जो है 1 से 100 तक है ना के 2 या 5 से विभाज्य पूर्णांकों का योग है। पहला आपका है 3000, दूसरा आपका है 3050, चौथा है 4050, पांचवा है इनमें से कोई नहीं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है 3000, सेकेंड ऑप्शन है 3050, थर्ड ऑप्शन है 4050, फोर्थ आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, आइए फोर नंबर, यदि श्रेणियों 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस सो ऑन तथा 3 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 24 प्लस सो ऑन के एम में पद बराबर हूं तो एम बराबर, एम इज इक्वल टू आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन 11, सेकेंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 13, फोर्थ ऑप्शन 15। ठीक है, आइए फाइव नंबर, यदि x^4 प्लस 1/(x³) होल पावर 15 के विस्तार में r में पद में x^4 आता है तो r इज इक्वल टू, r का मान ज्ञात करना है आपको, पहला 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, चौथा आपका 10 है, राइट। चलिए नोट कीजिए, बढ़ाते हैं। अब देखिए 6 से आप नोट कीजिए, मिला लीजिए खाली, नोट तो किया हुआ होगा ही, है ना। यदि √q a/√b प्लस दिया हुआ है √b/√q a, है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर के प्रसार में r+1 में पद में a तथा b की समान घाते हैं तब r का मान है, है ना। पहला मान है आपका 9, सेकेंड आपका 10, थर्ड आपका 8, फोर्थ आपका 6, है ना। आइए सेवन नंबर, ये बाइनोमियल का ये भी है, कहता है यदि 1+x^m के द्विपद प्रसार में तृतीय पद -1/8x² है तब m का परिमेय मान है। पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4। ठीक है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया। अब आइए क्वाड्रेटिक में, है ना। एट नंबर, कहता है समीकरण a x² + 1 - a² + 1 × x इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, है ना। रूट ज्ञात करना है आपको, पहला रूट है a 1/a, सेकेंड आपका ऑप्शन है a, 2a, थर्ड ऑप्शन है a, 1/2a,
फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नाइन नंबर आपका है समीकरण एक्स टू डी पावर फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो के मूल हैं। जो लोग नोट कर लिए हैं अपना अपना बनाते भी जाएंगे, सोल्यूशन भी करते जाएंगे, है ना, जितना हो सके। आइए टेन नंबर, दसवां नंबर देखिए, कहता समीकरण आई इंटू एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स माइनस फोर आई इज इक्वल टू जीरो के मूल हैं। इसमें भी आपका रूट निकालना है ना। पहला आपका है माइनस टू आई, सेकेंड आपका बी आपका जो है टू आई, सी दिया हुआ है माइनस टू आई माइनस टू आई, है ना, डी आपका दिया हुआ है टू आई कॉमा टू आई। ठीक है, तो दस तक हो गया आपका। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, दस तक हो गया सब लोग का। आइए अब इलेवन से आगे बढ़ाते हैं, इलेवन भी नोट कर लीजिए। इलेवन कहता है यदि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री तो sin थीटा का मान होगा, फर्स्ट आपका देखिए दिया हुआ है माइनस फोर बाई फाइव पर फोर बाई फाइव नहीं, सेकेंड में दिया हुआ है माइनस फोर बाई फाइव या फोर बाई फाइव, थर्ड में दिया हुआ है फोर बाई फाइव पर माइनस फोर बाई फाइव नहीं, डी आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए ट्वेल्व से देखिए, ये आपका देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है, टी रेशियो का है ना, कहता यदि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू तथा टेन थीटा इज इक्वल टू वन तो थीटा कौन से चतुर्थांश में है, है ना, कहता इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ थीटा आर विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आपका थीटा है। पहला आपका दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, यानी किस क्वाड्रेंट में, सिर्फ ये बताना है आपको। आइए थर्टीन नंबर, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव तथा थीटा तीसरे चतुर्थांश में हो तो कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन हो गया वन बाई रूट फाइव, दूसरा माइनस वन बाई रूट फाइव, थर्ड आपका है अंडर रूट टू बाई फाइव, फोर्थ आपका है माइनस टू बाई फाइव, रूट है माइनस रूट टू अपॉन फाइव। ठीक है, आइए फोर्टीन नंबर, जो लोग नोट कर लिए हैं वो अपना बनाएंगे भी, है ना। फोर्टीन आपका है, कहता है द वैल्यू ऑफ साइन इंटू कॉट इनवर्स टेन इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपका है फर्स्ट ऑप्शन एक्स, सेकेंड ऑप्शन पाई अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन वन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ठीक है, इनवर्स का क्वेश्चन है आपका। आइए फिफ्टीन नंबर, दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, अंडर रूट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका है कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, थर्ड आपका दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आइए 16 नंबर आपका दिया हुआ है, यदि साइन ब्रैकेट में दीजिए साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन तो एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन वन है, सेकेंड ऑप्शन जीरो, थर्ड ऑप्शन फोर अपॉन फाइव, फोर्थ ऑप्शन वन अपॉन फाइव। ठीक है, ये आपका तीन क्वेश्चन आपका इनवर्स का था। अब हम लोग चलते हैं
डिफरेंशिएशन में, ठीक है। आइए डिफरेंशिएशन में आपका हमने चार क्वेश्चन दिया है जो कि आसान है, आप लोग बना सकते हैं, है ना। यदि वाई इज इक्वल टू एक साइन एक्स, तो पहला ऑप्शन है वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। सेकेंड ऑप्शन आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। थर्ड ऑप्शन आपका है वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए 18 नंबर, डीसी ऑफ एक्स स्क्वेयर ई टू डी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए आपका थ्री टर्म है, एक्स स्क्वायर है इंटू ई टू डी पावर एक्स है इंटू साइन एक्स है, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में है एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स, इसके बाद आपका ब्रैकेट है टू इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका है एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स, ब्रैकेट दीजिए टू साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। थर्ड नंबर आपका है एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स, ब्रैकेट दीजिए टू साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डी आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए 19 नंबर कहता है द डीसी ऑफ टैन इनवर्स, इसका डीसी निकालना है टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है वन बाई माइनस वन बाई टू, सेकेंड ऑप्शन वन बाई टू, थर्ड ऑप्शन माइनस वन, फोर्थ ऑप्शन प्लस वन, राइट। आई 20 नंबर है आपका डीसी ऑफ कॉस वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन आपका है माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है माइनस फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर आपका साइन के एंगल का है। आइए सी ऑप्शन आपका है 4x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है माइनस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और सभी लोग आंसर अपने अपने टीचर को जमा कर देंगे लास्ट में, ठीक है, ओके, डू इट। रिपीट देख लीजिएगा जिनको कोई डाउट होगा तो, है ना। 6 से 11 तक का क्वेश्चन फिर हम दिखा रहे हैं, इस पर सभी लोग टेस्ट ठीक से देंगे, कुछ लोग लग रहा है तो क्लास में सिर्फ बैठे हुए हैं, है ना, टेस्ट अच्छा से देंगे ताकि अच्छा नंबर आ जाए आप लोग को, कोई भी टेस्ट में मेहनत करना चाहिए। यदि नहीं आता है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है ईमानदारी से टेस्ट देंगे सभी लोग। अब जो है आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, 5-6 मिनट टाइम है, सभी लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो होगा अपने क्लास टीचर जो भी होंगे, शिक्षक गण होंगे, शिक्षक महोदय होंगे, उनको जमा कर देंगे, है ना, ताकि उसका रिजल्ट हम लोग जल्दी से आप लोग को दे सके, ठीक है। फिर से एक बार 1 to 20 क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए ऑप्शन को आप लोग, है ना,
चलिए, अब कल से जो है आपका सिलेबस चालू होगा ट्वेल्थ का, है ना, जो कि मेंस लेवल का होगा, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चालू करेंगे, आपका मैक्सिमम जिससे मार्क्स आता होगा उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग एक बार आंसर को फिर से चेक कर लें, कारण आपके पास टाइम नहीं है अब, है ना, 4 मिनट और रह गया है। एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, यदि हो जाए तो अपने अपने टीचर को जो है सबमिट कर दें आंसर शीट को। कल से आपकी क्लास भी चालू होगी, है ना, ट्वेल्थ जो है प्लस फायदा होगा ट्वेल्थ वाले के लिए, प्लस आपका जो है मेंस के लिए फायदा होगा ज्यादा। हो गया, सभी लोग जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना आंसर शीट को जो है अपने क्लास टीचर को दे दें, ठीक है। टाइम हो चुका है, सभी लोग अपना अपना आंसर शीट जो है जमा कर दें। कल से क्लास होगी, कल से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, है ना, और मेंस लेवल का क्वेश्चन तक होगी, इसलिए सभी लोग जो है टाइमली आ जाएंगे। ओके, जमा कर दीजिए सब लोग क्वेश्चन को, आंसर शीट को, ठीक है। ओके, बाय।